हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ योर फ्रेंड संदीप। और आज है 3 जून, यानी कि आज है वर्ल्ड बाइसिकलिंग डे। और आज मैंने प्लान किया है अपने ऑफिस तक आज की इस राइड को मैं कैरी आउट करूंगा। आज सुबह राइड का प्लान था लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो आज साइकिलिंग करेंगे ऑफिस तक, जो कि है 35 किलोमीटर वन साइड। सो फर्स्ट टाइम मैं ऑफिस जा रहा हूँ बाइक लेके, तो चलिए देखते हैं आज कैसा ये राइड होता है। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। सो हियर वी गो। अभी मैं निकल चुका हूँ घर से और अभी मेरे पास 2 घंटे के करीब टाइम है, तो आराम से जाऊँगा मैं। चलिए छोटे मोटे शॉर्टकट लेते हैं। मेन रोड तक पहुंचने के लिए ये मुझे कम से कम 3 किलोमीटर का शॉर्टकट पड़ जाएगा। तो आज की राइड की थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है, क्योंकि ये लॉन्ग राइड होने वाला है और थोड़ा हो सकता है कि गर्मी में मुझे चलना पड़े, तो मैंने अपना हाइड्रेशन कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। यहाँ पर आई थिंक उतरना ही पड़ेगा। इसके अलावा आज ऐसे अचानक प्लान बन गया कि वर्ल्ड बाइसाइकिलिंग डे पे कुछ अलग करते हैं, और साथ ही एक मैसेज भी आपके बीच में जाएगा कि आप भी अगर छोटे मोटे डिस्टेंस पे अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप साइकिल से जा सकते हैं। दैट विल इम्प्रूव योर हेल्थ एंड थोड़ा सा तंग है ये रास्ता। मैं घर से लगभग 1 किलोमीटर आ गया हूँ और मुझे स्ट्रावा ऑन करने की याद ही नहीं रही, तो मैं सबसे पहले तो स्ट्रावा ऑन कर देता हूँ ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूँ कितने टाइम में मैं पहुँचाऊँ। सारे स्टैट्स पता चल जाते हैं। सो हियर वी गो। अभी टाइम हो रहा है 7:40। अभी सामने आप देख रहे होंगे ये हाईवे है, तो मैं यहाँ पर हाईवे के साथ मिल चुका हूँ आफ्टर राइडिंग 1 किलोमीटर। तो गाइस, क्योंकि मुझे पता है आज मेरे को ऑफिस में भी काम करना है 10 से 5 बजे तक, सो मैं आज की इस राइड को इजीली अटेम्प्ट करूँगा। और मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि जितने भी क्लाइंब्स हैं उनको मैं एक स्लो पेस पे इजीली उनको मैं अटेम्प्ट करूँगा, और जो भी फ्लैटर सेक्शन है और डाउन हिल जो आएंगी उनको मैं अच्छी पेस से करूँगा, ताकि मेरी कैब स्पीड भी मेंटेन रहे और मैं ज़्यादा थकूँ भी ना। सो अभी मैं आ गया हूँ लगभग 4 से 5 किलोमीटर एंड दिस इज़ दी फर्स्ट क्लाइंब जिसको मैं काफ़ी इजी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट टुडेज स्पेशल डे, दैट इज़ वर्ल्ड बाइसाइकिलिंग डे, तो आज वर्ल्ड बाइसाइकिलिंग डे को मनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिलिंग को अडॉप्ट करें, फिटनेस को मेंटेन रखें। लेकिन थोड़ा सा दुख की बात यह है कि अभी इंडिया में साइकिलिंग का कल्चर इतना ज़्यादा है नहीं। साइकिलिंग लोग या तो शौक के लिए करते हैं या फिर एज ए स्पोर्ट्स, एज ए रूटीन बहुत कम है साइकिलिंग। सो मेरा मानना है कि इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव
गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए साइकिलिंग को प्रमोट करना विल नॉट हेल्प बिकॉज सो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था जिसमें कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने साइकिल से जो भी लोग ऑफिस जा रहे हैं उन लोगों को एक वीक अगर आप साइकिल से जाते हो तो आपको हाफ डे लीव मिलेगा। इस तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं साइकिलिंग को। सो मोर ओवर एज ए होल गवर्नमेंट को भी थोड़े बहुत इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज। सो गाइस, मेरा आज की इस राइड को करने का मेन मोटिव यही है दैट आई कैन मोटिवेट ए बंच ऑफ पीपल टू ज्वाइन साइकिलिंग और दे कैन ट्रैवल टू देयर ऑफिस बाय साइकिल एंड यू गाइज कैन हेल्प मी आउट इन दिस कॉज बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद पीपल अराउंड यू और यू कैन ऐड योर वैल्यूबल सजेशन इन द कॉमेंट कि हम कैसे साइकिलिंग को प्रमोट कर सकते हैं अपने इंडिया में। सो डू कॉमेंट। तो फ्रेंड्स, आज हिमाचल में बहुत सारे जगह पर ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट की साइकिलिंग एसोसिएशन जो हैं वो वर्ल्ड साइकिलिंग डे पे बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया हूँ। बट एनी हाउ, पार्टिसिपेट करने का एक रीज़न ये भी होता है कि आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ साइकिलिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि ऑफिस ड्यूटी तो एक ऑब्लिगेशन है, वो मुझे करनी ही पड़ेगी। तो आपको मोटिवेट करने के लिए आज का राइड प्लान किया है अपने ऑफिस की राइड का। तो आई होप कि आप सब लोग मोटिवेट हो पाओगे। अगर मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूं, जो हमारी मोटिवेशन होती है ना, उसमें सबसे बड़ा हर्डल ये होता है कि जब हम किसी भी डिसीजन को लेने से पहले जो थॉट प्रोसेस चलता है हमारे माइंड में, वो हमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर हमने एक बार विल पावर को बना के फर्स्ट स्टेप ले लिया तो उसके बाद फिर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जैसे आज मैं राइड प्लान कर रहा था तो मेरे मन में पहले बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, टाइम से ऑफिस पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, ये सारी थॉट्स चल रहे थे। लेकिन जब मैंने एक बार स्टार्ट किया राइड को तो उसके बाद से अब सिर्फ डेस्टिनेशन दिख रही है, बाकी सारे थॉट गायब। सो अभी बातें करते करते हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द फेमस शक्तिपीठ ज्वालामुखी, जो कि मेरे घर से मोर देन 15 किलोमीटर है। राइड का लगभग 1/3 मैंने कर लिया है पूरा और बहुत इजी राइड जा रही है आज की। जैसे कि नॉर्मली ट्रेनिंग राइड होता है वैसा टफ राइड नहीं कर रहा हूँ आज मैं, बिल्कुल आराम से जा रहा हूँ। और बिजवाला जी क्रॉस कर लिया है, अब मुझे इसी हाईवे पे लगभग नदौन तक जाना है। वैसे यहाँ से भी मैं एक शॉर्टकट ले सकता हूँ लेकिन वो रास्ता थोड़ा ख़राब है तो वहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं सीधे हाईवे लेके जाऊँगा, यहाँ से मैं जा सकता हूँ। हाईवे का जितना भी सेक्शन है
इस पे जो छोटी मोटी क्लाइंब है दे आर ऑलमोस्ट फ्लैटर, तो यहाँ पर ज़्यादा ताकत लग नहीं रही है। लेकिन लास्ट के जो 10 किलोमीटर है वो सारी क्लाइंब है, क्योंकि जो मेरा ऑफिस है वो काफ़ी हाइट के ऊपर पहाड़ी पे है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी ताकत लगने वाली है। तो इसी वजह से अभी तक अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखा हुआ है, ताकि लास्ट के 10 किलोमीटर जो है वहाँ पर एफर्ट लगा सकूँ। एनी हाउ, रोज़ का काम है इतना राइड करना, तो हो जाएगा आराम से। माइलस्टोन ग्रेजुअली एडेड टू योर प्रोफाइल। जब 2 साल पहले लगभग मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की थी, तो मेरा फर्स्ट राइड जो था वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था और काफ़ी अमेज था कि मैंने 5 किलोमीटर की राइड एक ही बार में की है। और ग्रेजुअली वो बढ़ता गया, और अब मैं सेंचुरी राइड भी कर चुका हूँ और बहुत सारी हाफ सेंचुरी राइड कर चुका हूँ। एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ होता चला जाएगा, एक दिन में कोई भी चैम्पियन नहीं बनता। अगर आप बोलो कि यूसेन बोल्ट पिछली रात को उठा, उसके मन में आया कि 100 मीटर का चैम्पियन बनना है, वो दौड़ा और जीत गया, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 मीटर दौड़ने के लिए उसने पता नहीं हज़ारों किलोमीटर पहले ट्रेनिंग की होगी, तब जाके वो चैम्पियन बना है। सो सेम थिंग अप्लाइज इन अवर लाइफ, एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ आता है। स्टार्ट होती है अपनी क्लाइंब, यहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की क्लाइंब है, और ये लास्ट ही सेक्शन है आज की इस राइड का। तो अभी तक सारी एनर्जी जो बचा के रखी है, समझो वो अब निकालनी पड़ेगी इस क्लाइंब पे। सो लेट्स सी, अभी तो गर्मी भी काफ़ी हो गई है, टाइम पता नहीं कितना हो गया है, देखा ही नहीं। बट आई एम श्योर कि ये राइड इजीली हो जाएगी। मझेन 9 किलोमीटर, ये जो सामने पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी के टॉप पे जाना है अपने को। तो अभी 9 किलोमीटर के करीब अपने को पूरी क्लाइंब करके ही जाना है। यहाँ से जो क्लाइंब है वो तगड़ी वाली क्लाइंब स्टार्ट हो गई। यहाँ से सामने देख सकते हैं आप, ये पहाड़ी क्रॉस करनी है, इसके बाद एक और। तो अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, और लगभग 1 घंटे 20 मिनट में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, और लास्ट के 5-6 किलोमीटर बचे हैं अभी। ये 57, सो अभी क्लाइंब में आई एम स्वेटिंग ऑल आउट, बट थैंक गॉड मैंने अभी अपना हाइड्रेशन जो है ज़्यादातर बचा के ही रखा है, सो मुझे अभी यूज़ आ जाएगा। और मेरे पास बहुत टाइम है अभी पहुँचने में, लगभग 1 घंटा है 10 बजने को। सो आई वाज टारगेटिंग अबाउट 9:30, सो मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम तक मैं पहुँच ही जाऊँगा। और अगर मैं ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ तो मैं रेस्ट भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। सो लेट्स सी, सीधे डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ या रेस्ट लेनी पड़ती है। बट गर्मी बहुत हो गई है,
अभी ज़्यादा क्लाइंब नहीं की है, हल्की सी क्लाइंब की है। और यहाँ से मैं आपको छोटा सा व्यू देता हूँ, ये देखिए। आई होप आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लाइंब इज ओवर, वैसी ही एक और क्लाइंब सामने है, एक और पहाड़ी दिख रही होगी अभी। ये सामने है सेकंड पहाड़ी, अब इसके टॉप पे अपन के पहुंचना है। अपने साथ एक छोटा सा टेक्निकल फेलियर हो गया है, जो फ्रंट डिरेलियर है उसकी साइड वायर, ये देख सकते हैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, मे बी स्लिप आउट हो गई हो। तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, इसको तो मैं कर लूँगा ठीक, बट मैं अपने साथ मल्टी टूल कैरी करना भूल गया, जो कर लेंगे छोटा मोटा कोई जुगाड़। बहरहाल अपने को तो क्लाइंब करनी है तो वो हो जाएगी आराम से, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉलर फ्रिक्शन पे चल रही है और मुझे उसी की ज़रूरत है यहाँ पर क्लाइंब में। बट दिस इज़ पार्ट ऑफ एडवेंचर, ऐसा चलता रहता है छोटा मोटा। आज के 2 किलोमीटर बचे हैं, यहाँ तो अपन घसीट के भी पहुँचा देंगे साइकिल को, बट द बैड पार्ट इज़ काफ़ी हाई ग्रेडियंट की क्लाइंब है। बट एनी हाउ इतना आगे तो यहाँ भी पहुँच जाएंगे। पता है मज़े की बात क्या है, जहाँ नीचे से हम आए हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, और जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो लगभग 1 से 2 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिलता है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर गर्मी नीचे से कम है, और थोड़ा 1 किलोमीटर और जाएंगे ऊपर तो और टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। 2 किलोमीटर है, सो लास्ट 1 किलोमीटर इज लेफ्ट, एंड एज यू कैन सी आप देख सकते हैं हम कितनी हाइट पे आ चुके हैं। अभी मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रेशन ब्रेक लेते हैं। दिल कर रहा है यहीं पे छलांग लगा दूं। सो 33 किलोमीटर की राइड के बाद फाइनली मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। मैडम मैं पहले कुछ देर उठते नमस्ते जी, आज मैं साइकिल भी पूछी है। खुला ऑफिस, दो घंटे के मशक्कत के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं।
सो फाइनली 2 घंटे की मशक्कत के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं बैंक, और आई होप आज की राइड आप लोगों को मोटिवेट कर पाएगी वर्ल्ड साइकिलिंग डे इवेंट पे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे लोग साइकिलिंग को प्रमोट करें और इसको अपनाएं और खुद भी फिट रहें और को भी फिट करें। तो मिलेंगे आपसे जल्दी ही एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।